महागठबंधन से इलेक्शन लड़ेंगे और सरकार को उखाड़ दी गई। महागठबंधन से इलेक्शन लड़ेंगे और सरकार को उखाड़ दी गई। महागठबंधन से इलेक्शन लड़ेंगे और सरकार को उखाड़ दी गई। हम महागठबंधन का कैंडिडेट है, यहाँ अंतिम हुआ घूर जाएंगे। क्या कार्यक्रम है आपका? उसका घूर जाना। कितना काफिला, कितना गाड़ी है सर काफिला में? वो कोई नहीं बता सकता है। कितने लोग होंगे? कितने लोग होंगे? लोग अब देखते हैं कितना लोग है। हाँ, महागठबंधन से इलेक्शन लड़ेंगे और सरकार को हार दी गई। बिहार के मोकामा से बाहुबली निर्दलीय विधायक अनंत सिंह मुंगेर में रोड शो कर अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। रोड शो में 14 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बताया जा रहा है कि इसमें अनंत सिंह के साथ करीब 15,000 समर्थक साथ चलते रहे। अनंत सिंह ने इस रोड शो की शुरुआत आज अथमलगोला प्रखंड से की, जहां अनंत सिंह जिंदाबाद के खूब नारे लगे। अनंत सिंह ने अथमलगोला दुर्गा मंदिर में एक जोड़ी नारियल फोड़कर इस रैली का आगाज किया। अनंत सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि वे हर हाल में मुंगेर से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने रोड शो के अपने पोस्टर में खुद को कांग्रेस उम्मीदवार बताया है। इस बीच जदयू ने उनके रोड शो को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का संरक्षण मिलने का आरोप लगाया है। अनंत सिंह ने दावा भी किया था कि मुंगेर की जनता उनके साथ है, जिसका प्रमाण 18 जनवरी का रोड शो देगा। उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी तैयारी जनता ने अपने स्तर से की है। अनंत सिंह के आज की रैली में जुटी भीड़ इस बात को बता रही थी कि अनंत सिंह कड़ी टक्कर देने में कोई कमी नहीं रखने जा रहे हैं। विदित हो कि कभी जनता दल यूनाइटेड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले विधायक अनंत सिंह अब मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाते हुए उनके प्रबल राजनीतिक विरोधी राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव का समर्थन किया है। हालांकि अनंत सिंह को लेकर विपक्षी महागठबंधन व राजद में एकमत नहीं, लेकिन विपक्ष का एक धड़ा उनके मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ने के समर्थन में है। अनंत सिंह को भी उम्मीद है कि उन्हें मुंगेर से कांग्रेस का टिकट मिलेगा। एक बात साफ है कि टिकट मिले या नहीं, अनंत सिंह मुंगेर से चुनाव लड़ेंगे। इसे देखते हुए उन्होंने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को वे अथमलगोला से मुंगेर तक रोड शो कर रहे हैं। सामने कोई हो नहीं पड़ता फर्क। अनंत सिंह ने कहा कि चुनाव मैदान में उनके सामने कौन होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोक जनशक्ति पार्टी से वीणा देवी अभी मुंगेर की सांसद हैं। उनकी नजर इस सीट पर है। माना जा रहा है कि जदयू भी इस सीट पर ललन सिंह को चुनाव लड़ाना चाह रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में इस सीट को लेकर रार भले ही सुलझा लिया जाए और उम्मीदवारी किसी की भी हो, उनके सामने अनंत सिंह का होना तय है। अनंत सिंह कहते हैं, चुनाव मैदान में वीणा देवी रहे या ललन सिंह, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के रोड शो के पहले अनंत सिंह ने गुरुवार को पटना में तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब में मत्था टेक गुरु घर का आशीष लिया। इसके बाद पटना में भी उन्होंने कहा कि वे लोकसभा चुनाव में विजेता होने का आशीर्वाद लेने गुरु घर में गए थे। इसके पहले अनंत सिंह ने अपने पैतृक गांव नदावा जाकर रोड शो में सफलता के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर आशीर्वाद लिया था। अनंत सिंह ने कहा कि मुंगेर में होने वाले रोड शो में काफी संख्या में लोग शामिल हैं। अनंत सिंह के मुंगेर सीट से कांग्रेस के टिकट के दावे को देखते हुए उनके रोड शो में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हैं या नहीं, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं। अनंत सिंह ने कहा कि मुंगेर की जनता अब ललन सिंह को भूल चुकी है। उधर अनंत सिंह की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू ने कहा कि ये रोड शो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के संरक्षण में हो रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।